के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ के निर्देशानुसार एक दिवसीय न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशाला का हुआ आयोजन। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर एवं महाराजगंज के एजे की मौजूदगी में मंडल के न्यायिक अधिकारियों ने लिया प्रतिभाग। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस पर स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शिरकत। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह एडवोकेट एवं पूर्व सदस्य विधान परिषद की 7वीं पुण्यतिथि पर उन्हें दी श्रद्धांजलि। खेती से ही आ सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव विषय पर आयोजित व्याख्यान पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार। पुलिस महानिदेशक अभियोजन सुजान वीर सिंह ने किया कलेक्ट्रेट स्थित अभियोजन कार्यालय का औचक निरीक्षण। लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए दिए निर्देश। कैंट थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक स्थित एक हुक्का बार पर एंटी रोमियो टीम ने मारा छापा। एएसपी ने कहा छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए की है चेकिंग, नहीं मिला कोई आपत्तिजनक पदार्थ। धूमधाम से मनाई गई झूलेलाल की जयंती। झूलेलाल जयंती के वार्षिक महोत्सव पर निकाली गई ज्वलंत मुद्दों पर शोभा यात्रा। समाजवादी पार्टी द्वारा मनाए गए पिछड़े एवं वंचित वर्ग और सामाजिक चेतना के प्रतीक बीपी मंडल की 101वीं जयंती। प्रोन्नति, वेतन विसंगतियों, एसीपी व पुरानी पेंशन के संबंध में आहूत की गई बैठक। निराकरण के लिए गोरखपुर मंडल के निबंधन सहायक संघ द्वारा की गई चर्चा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश सरकार द्वारा 9 सूत्री मांगों के नहीं माने जाने पर 29 अगस्त को लखनऊ में घेरेंगे विधानसभा, करेंगे धरना प्रदर्शन। मिस्टर एंड मिसेज फैशन एपिडोम एंड रनवे गोरखपुर ऑडिशन में युवक और युवतियों ने किया अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन। इनर व्हील क्लब ऑफ गोरखपुर रेनबो का मनाया गया 4वां शपथ ग्रहण समारोह। मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने महिलाओं को सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए दी बधाई। और गीता वाटिका में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का हुआ आयोजन। वृंदावन से आए कथा व्यास राधेश्याम शास्त्री को सुनकर श्रद्धालु हुए भाव विभोर।